रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव आपकी आवाज। राजस्थान के कोटा में आम आदमी पार्टी ने जयपुर में निकाली तिरंगा यात्रा। आप संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने राजधानी जयपुर में तिरंगा यात्रा न्यूज सांगरनेरी गेट से बापू बाजार नेहरू बाजार होते हुए अजमेरी गेट पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए समापन किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व भगवंत मान ने कांग्रेस व बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि इन दोनों में किस्सा कुर्सी का है तो लेकर आपस में लड़ाई चल रही है। इनको जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य पानी बिजली सड़कें रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहिए तो अगली बार राजस्थान में आम आदमी पार्टी को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें गंदी राजनीति करना नहीं आता, हमें जनता के काम करना आता। राजस्थान में भ्रष्टाचार आपका साथी सोहन सेन और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव। आज हम राजस्थान की राजधानी जयपुर आए हुए हैं और यहाँ पर चुनावी संगनाद बजाने के लिए अभी कुछ ही पलों में है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पे आने वाले हैं और आगामी जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के यहाँ पे आगाज करने वाले हैं। तिरंगा मार्च यहाँ पे किया जाने वाला है। अब हम यहाँ पे कोने कोने से राजस्थान के तमाम जिलों से यहाँ पे है जो पदाधिकारी और आप कार्यकर्ता आए हुए हैं, हम आपको लेके चलते हैं और करवाते हैं उनसे रूबरू। जी क्या नाम है सर आपका? नवीन पालीवाल। कहाँ से आए हो? कोटा राजस्थान। क्या कहना चाहोगे आप? आज अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की जो जयपुर के अंदर रैली है, इस रैली के बाद भाजपा और कांग्रेस वालों की चुनाव तक नींद हराम हो जाएगी। उन्होंने आम आदमी को ललकारा था कि अगर सरकार बनानी है तो चुन कर आओ, दिल्ली, दिल्ली के बाद पंजाब, पंजाब के बाद गोवा और गोवा के बाद गुजरात और अब राजस्थान की बारी है। आम आदमी इनको दिखा देगा कि क्या आम आदमी की ताकत होती है। आपसे जी आपको लेके चल रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हो? परवेज अहमद नाम है, कोटा श्री रामनगर से है। आम आदमी पार्टी में इसमें ही रहना है, आम आदमी पार्टी सबका विकास करेगी। जी लोगों को उम्मीद जगी है कि आम आदमी पार्टी सबका विकास करेगी। अब आगे लेके चलते हैं आपको यहाँ पे राजसमंद से, दौसा से, करौली से, श्रीगंगानगर से, तमाम यहाँ पे जो जिलों से यहाँ पे है जो कार्यकर्ता आप कार्यकर्ता आए हुए हैं, आगे लेके चलते हैं, करवाते हैं रूबरू। अभी रथ सवार होने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, हम लेके चलते हैं और दिखाते हैं आपको। जी कहाँ से आए हो, क्या नाम? बांसवाड़ा गढ़ी विधानसभा से आए सर। बिजली, पानी, सड़कें, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये गवर्नमेंट का काम है, वो नहीं कर दिए और जाति पाति की राजनीति कर दिए सरकार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुसैन मोहम्मद मामू। क्या कहना चाहोगे केजरीवाल जी से आपको? केजरीवाल जी तो पूरी उम्मीद है, हम राजस्थान में सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे कोई ऐसा कोई कार्ड नहीं चलने वाला है। आम आदमी मिलकर इस सरकार को बनाएंगे। और अरविंद केजरीवाल जी के लिए मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। बीजेपी को आग कहते हैं, कांग्रेस को राख कहते हैं और जिस राख से बनी बारूद उसको अरविंद केजरीवाल कहते हैं। मेरा नाम प्रदीप आसुदानी है। मैं कहना चाहता हूँ 75 साल से कांग्रेस बीजेपी ने देश को बर्बाद करके रखा है। पंजाब में और दिल्ली में जो भी चल रहा है काम, वो राजस्थान में भी होने वाला है। केजरीवाल जी आएंगे और असली समृद्धि सिर्फ आम आदमी पार्टी से। सर कोटा से आए हैं। क्या नाम है? बद्रीलाल बेरवा है। कहना चाहोगे? हम कहना चाहते हैं कि राजस्थान में आप बुलंदी से आम आदमी पार्टी अपना दावेदारी देने जा रही है।